Hi guys, welcome to Makeup Bliss. मैं हूँ शायनाली। शुभ नववर्ष सबाई के। आज मैं ये खूबसूरत पहला वैशाख लुक क्रिएट करने वाली हूँ और ये लुक बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजीली आप रिक्रिएट कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट मैं यूज करूंगी वो सारे मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉइस्चराइजर मैंने यूज किया है एम कैफीन का लाटे कॉफी मॉइस्चराइजर। प्राइमर मैंने लिया है बेनिफिट का द प्रोफेशनल पोर प्राइमर और इसे मैं लगा रही हूँ जहाँ जहाँ पर मेरे ओपन पोर्स है वहाँ पर। ये मेरे पोर्स को फिल कर देगा और फेस को पूरा स्मूथ कर देता है। और प्राइमर वाटर मैंने यूज किया है मैट प्रेप प्लस प्राइम फिक्स प्लस। ये मेरी स्किन को हाइड्रेशन देता है और मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखता है। फाउंडेशन मैंने लिया है Maybelline Fit Me फाउंडेशन इन द शेड सॉफ्ट 10 और इसे मैं पहले फिंगर टिप से लगा रही हूँ और इसके बाद में ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूंगी। ये जो फाउंडेशन है बहुत ही लाइट वेट है और ड्यूई फिनिश देता है, तो मुझे ये फाउंडेशन बहुत अच्छा लगता है। कंसीलर मैं यूज कर रही हूँ Maybelline Fit Me कंसीलर इन द शेड कैरमल। इसे मैं लगा रही हूँ जहाँ जहाँ पर मेरे वार्म अंडरटोन है वहाँ पर और इसके बाद में ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। और चेहरे को हाईलाइट करने के लिए मैंने लिया है Maybelline का इंस्टेंट एज रिवाइंड कंसीलर इन द शेड सैंड और इसे मैं लगा रही हूँ मेरे चेहरे के हाईएस्ट पॉइंट पर जहाँ पर मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ। और ये है RCMA का ट्रांसलूसेंट पाउडर। इससे मैं मेकअप को सेट कर रही हूँ, मैं बिल्कुल भी बेकिंग नहीं कर रही हूँ, बस मेकअप को सेट कर रही हूँ। और आज मैं यूज कर रही हूँ हुदा ब्यूटी का डेजर्ट डार्क पैलेट। इस पैलेट से पहले मैं ये डीप ब्राउन शेड ले रही हूँ और क्रीज लाइन पर लगा रही हूँ एक फ्लैट फ्लफी ब्रश से और आउटर कॉर्नर पर भी मैं इस शेड का यूज करूंगी। और इसके बाद इस शेड को ब्लेंड करने के लिए मैंने ये लाइटर ब्राउन शेड लिया है और इस शेड को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। और फिर मैं ले रही हूँ ये गोल्डनिश शिमर। ये थोड़ा सा पिंकिश गोल्डनिश मिक्स कलर का शिमर है और इसे मैं लगा रही हूँ इनर कॉर्नर से लेकर आईबॉल तक और फिर मैं आउटर कॉर्नर को थोड़ा सा ब्लेंड कर लूंगी। ये है कीको मिलानो का काजल, इसे मैं लगा रही हूँ लोअर लैश लाइन पर, थोड़ा सा ज्यादा लगाऊंगी। और पहले मैं काजल को थोड़ा सा स्मज कर रही हूँ और इसके बाद हुदा ब्यूटी के पैलेट से फिर से मैं ये ब्राउन शेड ले रही हूँ और लोअर लैश लाइन पर लगा रही हूँ और काजल को भी मैं सेट कर रही हूँ। ये है कीको मिलानो का आईलाइनर, इसे मैं थिन सा आईलाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। और ब्राउ के लिए मैंने लिया है Lakme Absolute का माइक्रो ब्राउ परफेक्टर पेंसिल और इससे मैं क्विकली अपने ब्राउज को फील भी कर लूंगी और अच्छा सा शेप भी दे दूंगी। और ये है शुगर का कॉन्टोर पैलेट, इससे मैं कॉन्टोर कर लूंगी अपने फेस को। ये कॉन्टोर पैलेट बहुत अच्छा है। और नोज को भी मैं थोड़ा सा कॉन्टोर कर लूंगी। ये है कलर बार का ब्लश और इसे मैं लगा रही हूँ, थोड़ा ज्यादा लगा रही हूँ, ब्लश थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। इस ब्लश का शेड है कोरल क्रेविंग।
और ये है Sephora का हाइलाइटर। ये हाइलाइटर भी मुझे बहुत पसंद है, एकदम नेचुरल ग्लो देता है आपके स्किन को। और लिप लाइनर मैंने लिया है मैक का इन द शेड रूबी हू। इससे मैं छोटे छोटे स्ट्रोक से पहले लिप लाइन कर रही हूँ। और लिपस्टिक भी है मैक का इन द शेड रूबी हू। अब मैंने यूज किया है पैक माइक्रो फिनिश मेकअप फिक्सर और इससे मैं अपने मेकअप को फिक्स कर लूंगी। अब मैं हेयर स्टाइल स्टार्ट करूंगी, तो हेयर स्टाइल करने के लिए मैं पहले मिडिल पार्ट कर रही हूँ और फिर क्राउन पार्ट से मैं रैंडमली बाल ले रही हूँ। ऐसा कोई प्रिसाइसली मैंने कॉम्ब नहीं किया है, बस ऐसे ही रैंडमली मैंने बाल लिया है, फिर पीछे थोड़ा सा बैक कॉम्ब किया है और इसके बाद स्टफिंग मैंने डाल दिया है और क्लिप से सिक्योर कर लिया है। अब सामने का जो बाल है उसको मैं दो पार्ट कर रही हूँ और इसके बाद एकदम सामने से मैं ट्विस्ट एंड टर्न कर रही हूँ। फिर पूरा बाल को मैं ट्विस्ट कर रही हूँ और पीछे ले जा रही हूँ और सामने से मैं थोड़ा सा पुल करूंगी ताकि एकदम फ्लैट ना लगे, थोड़ा सा पुल करना जरूरी है। इसके बाद मैंने बॉबी पिन से सिक्योर कर लिया है। अब दूसरी तरफ भी मैं वैसे ही कर रही हूँ, पहले मैंने हेयर को दो पार्ट कर लिया और उसके बाद सामने से मैंने ट्विस्ट एंड टर्न किया और इसके बाद पीछे ले जाकर मैंने बॉबी पिन से सिक्योर कर लिया और सामने के बाल थोड़ा सा पुल कर लेना जरूरी है वरना फ्लैट लगता है पूरा। अब एकदम सामने का जो बाल है वो भी हमें इस तरह से ट्विस्ट एंड टर्न कर लेना है और इसके बाद पीछे ले जाकर सिक्योर कर देना है। ये थोड़ा सा डिफरेंट हेयर स्टाइल है, एकदम ट्रेडिशनल नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन आप देख सकते हो मैंने कोई भी क्रिम्पर कर्लर कुछ भी मैंने हीट नहीं यूज किया है, ना ही ब्लो ड्राई किया है, कुछ भी नहीं किया है। ये मेरे एकदम नेचुरल बाल है और इसके बाद मैंने ये हेयर स्टाइल किया है, तो आप भी कर सकते हो ये हेयर स्टाइल। फिर पीछे का जो बाल है उनको मैंने कॉम्ब कर लिया है और एक पोनी बना लिया है। इसके बाद मैंने लगाया है ये हेयर डोनट और इसके बाद मैंने फिर से एक रबर बैंड से सिक्योर कर लिया है और इसके बाद बाकी का जो बाल है उसको थोड़ा ट्विस्ट करके मैंने घुमा दिया है और इसके बाद यू पिन से मैंने सिक्योर कर लिया है। अब गजरा जो है, गजरा के एंड पर मैंने बॉबी पिन लगाया है और इसके बाद मैं गजरा को सेट कर रही हूँ। इस तरह से अगर आप गजरा सेट करोगे तो आपका गजरा हिलेगा नहीं, एकदम जगह पर रहेगा और बहुत अच्छे से सेट भी हो जाएगा आपका बाल। तो मेरा ये हेयर स्टाइल कम्प्लीट हो चुका है, कितना अच्छा लग रहा है आप देख सकते हो। और इसके बाद मैं पूरी तरीके से तैयार हो गई हूँ, मैंने ज्वेलरी भी पहन ली, साड़ी भी पहन ली, बिंदी भी लगा लिया और सिंदूर भी लगा लिया और हो गई हूँ मैं पहला वैशाख एंजॉय करने के लिए पूरी तरह से रेडी। तो आपको कैसा लगा ये लुक आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप कि आपको मेरा ये लुक जरूर अच्छा लगा होगा और जितने प्रोडक्ट्स मैंने यूज किया है वो सारे मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स है। बहुत अच्छे से पहला वैशाख को एंजॉय करना, हैप्पी पहला वैशाख टू एवरीवन। और अगले वीडियो पर हम बहुत जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।